हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? काफी इंपॉर्टेंट है, सुना होगा आपने पहले भी इस बारे में, आज हम आपको समझा देते हैं। देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, एक बार रिकॉल करवा, तो हम देख रहे थे कि किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। अपने आप को एक्सपेंड करना मतलब ऐसा नहीं कि खुद मोटे होते जा रहे थे, अपने रूल को एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। तो जब अपने रूल को एक्सपेंड कर रहे थे तो मैंने बताया तरह तरह की स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करी, पॉलिसीज होती थी, डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन होते थे, तो देखा मराठास के साथ में, मैसूर के साथ में डायरेक्ट लड़ के हराया, ठीक है। फिर उन्होंने पॉलिसीज ले आए सब्सिडी अलायंस की, क्लेम टू पैरामाउंसी की, और एक और जो इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी जिससे उन्होंने बहुत सारी किंगडम्स को अपने अंडर में कर लिया, ठीक है, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण एक फेमस कहानी भी आप लोगों को ध्यान आएगी, झांसी की रानी की कहानी, तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं कैसे, ठीक है। तो यही सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं, तो व्हाट वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? सबसे पहला सवाल ही ये आता है कि है क्या ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इतनी देर से आप स्टार्टिंग से यही बोल रहे हो, आइए वो समझाते हैं। अ पॉलिसी डिवाइज्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। अब ये कौन है अंकल, ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी ये हैं, ठीक है, मैंने हाथ से बनाया है स्केच, नहीं मजाक कर रहा हूं, ठीक है, डाउनलोड किया फोटो। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है, ये पॉलिसी लॉर्ड डलहौजी ने इन्वेंट की थी कह सकते हैं, या फिर इसे इंस्टीट्यूशनलाइज लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1848 टू 1856। इतने टाइम पीरियड के लिए, इन सालों के बीच में कौन था गवर्नर जनरल, तो इन सालों के बीच में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी थे। दिस पॉलिसी हेल्प ब्रिटिश अलॉट इन द एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट। और इस पॉलिसी का सहारा लेकर ब्रिटिश ने क्या करना स्टार्ट किया, बहुत सारे इंडियन स्टेट्स को एनेक्स कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया, हड़प लिया, जो कहना चाहो आप कह लो। तो उस तरह से जो हम देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है, तो इंडिया के लिए क्या है, एक तरह से इनफेमस पॉलिसी हुआ, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर पॉलिसी हो गई थी, कि जिसके चलते वो क्या करते जा रहे थे, जिसके चलते वो एक के बाद में एक दूसरे इंडियन स्टेट को अपने अंडर में लेते जा रहे थे, कब्जा करते जा रहे थे। अभी आपके मन में इसी तरह से सवाल उठ रहा होगा, आखिर पॉलिसी थी क्या, पहले ये बता दो, तो वही मैं आपको बताता हूं। देखो, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, द डॉक्ट्रिन डिक्लेयर्ड दैट इफ एन इंडियन रूलर, अंडरलाइन करते चलो कीवर्ड्स, इंडियन रूलर डाइड, ठीक है, अगर किसी इंडियन रूलर की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ नेचुरल मेल हायर, ठीक है, नेचुरल मेल हायर क्या, ये समझाता हूं मैं आपको। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मैं राजा हूं, ठीक है, कांग्रेचुलेशंस, मैं राजा बन गया। अब क्या होता है, मेरी मृत्यु हो जाती है, जो नहीं हो रही अभी, ठीक। तो अगर राजा की मृत्यु हो जाती है, इंडियन रूलर जो है वो, उनकी डेथ हो जाती है, और कैसे डेथ होती है, विदाउट अ नेचुरल मेल हायर। देखो नेचुरल आपकी बुक में नहीं लिखा, लेकिन मैंने ऐड किया, क्यों, क्योंकि इसका कारण समझाऊंगा मैं आपको। तो नेचुरल मेल हायर मतलब क्या, हायर यानी मेरे बाद मेरा वंशज कौन होने वाला है, वंशज मतलब मेरे बच्चे, ठीक है, मेरे बच्चे मेरा सारा प्रॉपर्टी संभालेंगे, मेरा साम्राज्य संभालेंगे, राजा हूं ना मैं, तो मेरा पूरा राज्य कौन संभालेगा, मेरा, मेरे बच्चे संभालेंगे। तो यहां पे पॉलिसी ये बोलती थी कि अगर कोई इंडियन रूलर, ठीक है, अगर कोई इंडियन रूलर की मृत्यु हो जाती है, कैसे मृत्यु होती है, विदाउट अ नेचुरल मेल हायर, मतलब नेचुरल होना चाहिए, नेचुरल मतलब, नेचुरल का मतलब यहां पे है कि खुद का बेटा होना चाहिए, मेल बोल रहे हैं और फीमेल नहीं, विदाउट अ नेचुरल मेल हायर, तो क्या होगा, आगे ना समझ में। जैसे क्या होता है, अब मैं आपको झांसी की रानी की कहानी बताता हूं, कि जो आपने अगर मणिकर्णिका मूवी देखी है, तो उसमें आपने देखा होगा कि उनका कोई एक बेटा जो जन्म लेता, तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और उनका कोई नेचुरल फिर वंशज रहता नहीं, उन्होंने अडॉप्ट किया था, लेकिन अडॉप्ट किए हुए बेटे को नहीं मान रहे थे ब्रिटिश, ठीक है, उन्होंने क्या बोल दिया था कि राजा जो है, और राजा का अगर कोई बेटा नहीं है, सगा बेटा नहीं है खुद का, तो क्या होगा, हिज किंगडम वुड लैप्स इनटू द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश। तो उनकी जो पूरी की पूरी साम्राज्य है राजा की, वो कहां चले जाएगी, पूरी की पूरी साम्राज्य चले जाएगी ब्रिटिशर्स के हाथ में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में, ठीक है। हिज किंगडम वुड लैप्स इनटू द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश, इट विल बिकम द पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी, ठीक है, तो कंपनी की टेरिटरी बन जाएगी, वो जितना भी कंपनी का टेरिटरी था, हमने देखा बंगाल, मद्रास और एक और क्या, बॉम्बे, तीन प्रेसिडेंसीज थी, तो एक्सपेंड करते करते उन्होंने बोल दिया कि हम अगर किसी राजा की डेथ हो जाती है विदाउट लीविंग अ नेचुरल मेल हायर, तो हिज किंगडम वुड ऑल्सो लैप्स इन टू हैंड्स ऑफ ब्रिटिश। आगे समझ में, तो ये कहानी है पूरी, ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सिंपल सी चीजें, आगे समझ में, दो मिनट में रिकैप कर लेते जल्दी से। ये जो पॉलिसी थी किसने डिवाइस की थी, लॉर्ड डलहौजी, ये है लॉर्ड डलहौजी,
गवर्नर जनरल थे कब से कब तक, 48 से 56 तक, और इस पॉलिसी की मदद से उन्होंने बहुत सारी टेरिटरीज को अनेक्स करा। पॉलिसी बोलती क्या है कि अगर किसी राजा की मृत्यु होती है, इफ अ इंडियन रूलर डाइस विदाउट लिविंग अ नेचुरल मेल हायर, मतलब खुद का बेटा होना चाहिए, बेटी नहीं, खुद का बेटा अगर नहीं है तो उस राजा का पूरा साम्राज्य, पूरी किंगडम किसके पास चले जाएगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में। सिंपल, ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि किस किस को हराया था, फिर किस किस को हड़प लिया था इस पॉलिसी के चलते। तो मेनी किंगडम्स वेर अनेक्स्ड सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्राइन, ठीक है। जैसे सतारा को हड़पा गया, सतारा कहाँ है, तो सतारा इंडिया का एक उस समय किंगडम था, 1848 में सतारा को कब्जा कर लिया। संबलपुर, संबलपुर को कब कब्जा किया उन्होंने, 1850 में संबलपुर पे कब्जा कर लिया। उदयपुर, उदयपुर पे कब कब्जा किया, 1852 में, ठीक है। फिर नागपुर 1853 में, झांसी 1854 में, और अवध, अवध को कब कब्जा कर लिया उन्होंने, 1856 में अवध के ऊपर कब्जा कर लिया। तो इस तरह से क्या किया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते इन सारी टेरिटरीज को कब्जा कर लिया। झांसी आया ना, तो रानी लक्ष्मीबाई की भी टेरिटरी के साथ ऐसे ही हुआ कि जो राजा थे, राजा की डेथ हो जाती है और उनका कोई नेचुरल मेल हायर नहीं था, अडॉप्ट किया था लेकिन अडॉप्टेड सन को वो नहीं मान रहे थे ना, तो उसके चलते क्या होता है, बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्राइन, ठीक है, इस डॉक्ट्राइन को अप्लाई करके उन्होंने क्या बोल दिया कि झांसी अब हम एनेक्स करते हैं कंपनी की टेरिटरी में। तो ये दिक्कतें होने लगी थी, ठीक है। अब जैसे अवध को जब किया उन्होंने एनेक्स, कब, 1856 में, तो अवध को जब एनेक्स किया तो ड्यूरिंग द एनेक्सेशन ऑफ अवध ब्रिटिश हैड एन एडेड आर्ग्यूमेंट, ब्रिटिशर्स ने एक एडेड आर्ग्यूमेंट दे दिया, बोल दिया कि नहीं नहीं अवध को तो हम इसलिए एनेक्स करेंगे, क्यों, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, दे सेड दैट दे वर ऑब्लाइज्ड बाय ड्यूटी टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम मिस गवर्नमेंट ऑफ द नवाब। अब देखो क्या है, मतलब ये पूरी मनमर्जी चल रही थी, अभी तक उन्होंने पता नहीं कुछ तो भी पॉलिसी लिया है कि अगर नेचुरल मेल हायर नहीं है तो हम आपकी टेरिटरी छुड़ा लेंगे, लोग टॉलरेट कर रहे थे। लेकिन अवध को उन्होंने क्या बोल दिया, कि अवध को उन्होंने ऐसा कह दिया कि ड्यूरिंग द एनेक्सेशन ऑफ अवध ब्रिटिश एड एडेड आर्ग्यूमेंट, एक और आर्ग्यूमेंट एड कर दिया उन्होंने, क्या, कि ब्रिटिश ब्रिटिशर्स की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ड्यूटी बनती है, दे आर ऑब्लाइज बाय ड्यूटी, ये उनकी ड्यूटी बनती है कि वो अवध के ऊपर कब्जा कर ले या फिर अवध को एनेक्स कर ले, क्यों, क्योंकि अवध के जो लोग हैं, पीपल फ्रॉम मिस गवर्नमेंट ऑफ द नवाब्स, अवध के जो लोग हैं उनको फ्री करना है, अवध के लोगों को क्या करवाना है, वहां के नवाब जो है वो मिस गवर्नमेंट चला रहे हैं या फिर ही इज नॉट गवर्निंग हिज किंगडम प्रॉपरली, तो नवाब के ऊपर ऐसा इंजाम लगा दिया कि नवाब को अच्छे से देश चलाते नहीं आ रहा, अपनी किंगडम चलाते नहीं आ रही है, तो अवध की टेरिटरी किसके पास चले जाएगी, अवध की टेरिटरी चले जाएगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में। तो अब देखो क्या है, लोगों को तो पसंद नहीं थे ब्रिटिश, तो लोगों ने क्या कर दिया, यहां पे रिवोल्ट कर दिया, आवाज उठा दी। तो एनरेज विद दिस ह्यूमिलिएशन पीपल ऑफ अवध जॉइंड द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 आगे आप ही की सिलेबस में है एक चैप्टर जिसे हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है, तो उस चैप्टर को पढ़ेंगे तब आप ध्यान रखना ये अवध वाली कहानी, कि अवध के लोगों ने किस तरह से इस हरकत का क्या किया, मुंह तोड़ जवाब दिया था, किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, उन्होंने इस एक्शन को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इस एक्शन को रिवॉल्ट में कन्वर्ट करके दे दिया, बोल दिया था कि तुम ऐसे कैसे हमारे नवाब को हटा दोगे मिस गवर्नमेंट के ग्राउंड पे, हमारे, हमें तो लगता ही नहीं ऐसा कि हमारे नवाब जो है मिस गवर्नमेंट कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें रहती है। तो बेसिकली आपको बताना क्या था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू किन किन किंगडम्स को क्या किया गया, एनेक्स किया गया, कब्जा किया गया, सारी किंगडम्स हमने देख ली। फिर उसके बाद में अगली चीज क्या है कि अवध को जब उन्होंने एनेक्स किया तो एक एडेड आर्ग्यूमेंट दे दिया था जिसके अगेंस्ट में लोगों ने, पीपल ज्वाइंड दी ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है ना, लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया था। तो यही सारी चीजें हमने पढ़ी किसमें, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हमारा पॉलिसी का लास्ट हुआ, उसके बाद में सेटिंग अप ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो अगला टॉपिक है उसे पढ़ेंगे, उसके पहले इस चीज को समझो, काफी इंटरेस्टिंग है। देखो ये क्या बताता है, ये बताता है ब्रिटिश एक्सपेंशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर्स जब आए इंडिया में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो उन्होंने किस तरह से धीरे धीरे वो एक्सपेंड करते चले गए, ये वही चीज बता रहे हैं ये मैप। तो इंडिया का अगर मैप देखते हो अब कब, 1797 में, अभी भी ब्रिटिशर्स ने अपनी जड़ें काफी मजबूत कर ली थी। तो 1797 में जैसे दो कलर है ना, रेड और येलो, तो येलो कलर जो है उनके एक्सपेंशन की एक्सटेंट को बताता है। तो 1797 में ये इतने एरिया में थे ब्रिटिश, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इतना रूल था, मतलब बांग्लादेश आज का और बंगाल पूरा, ठीक, यहाँ पे नीचे नीचे हमने देखा इस समय तक उन्होंने हरा ही दिया था टीपू सुल्तान वगैरह को, तो अभी उनका एक्सपेंशन इतना था, ये इतने एरिया में ब्रिटिश थे कब, 1797। फिर इंडिया का अगर मैप देखते हो 1840 में, तो 1840 में देखो उन्होंने कितनी टेरिटरी एक्सपेंड कर ली, मराठास वगैरह को हरा दिया था,
ठीक, ये मराठास को हरा दिया, ये यहाँ पे पूरा कब्जा कर लिया, बंगाल में आगे बढ़ गए थे, अवध और दिल्ली तक पहुंच गए थे वो, तो ये पूरा उन्होंने कब्जा करके बैठ गए थे कब, 1840 में। फिर यही चीज आप 1857 में देखोगे, तो ये पीक है, इस समय पे सबसे ज्यादा एरिया उन्होंने कब्जा कर लिया। क्या है तो 1857 इस समय रिवॉल्ट होता है, तो इस समय तक उन्होंने कितना एरिया कब्जा कर लिया था देखो, तो ये पूरा जो हमने आपको बताया था नॉर्थ वेस्ट, वो रशियन एक्सपेंशन से चिंता जताई थी हमने अभी पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो उसमें क्या होता है कि उस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पूरा नॉर्थ वेस्ट, येलो कलर उनके एक्सपेंशन को बताता, तो ये नॉर्थ वेस्ट पूरा पंजाब वंजाब भी कब्जे में कर लिया, इधर पूरा बंगाल तक मिल गया सारा, सेंट्रल इंडिया पूरा मराठास वगैरह को हरा दिया, साउथ इंडिया ले लिया। तो हम देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द एरिया वॉज बींग ऑक्यूपाइड बाय ब्रिटिश रूल, ठीक है, ब्रिटिश रूल जो था, तो ब्रिटिश रूल इतनी तरह से एक्सपेंड हुआ कि उनकी अलग अलग स्ट्रेटेजीज, अलग अलग पॉलिसीज, डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, इन सारी चीजों के बदौलत उन्होंने काफी बड़ा एरिया को कब्जा कर लिया था इंडिया के। क्लियर है? अब हम देखेंगे कि अब जब कब्जा कर लिया है तो उन्होंने कुछ ना कुछ चेंज लाए होंगे, बदलाव लाए होंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वही चीजें पढ़ने वाले हैं, सेटिंग अप ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जो नया एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने सेटअप किया वो क्या था, कैसे सेटअप किया, क्या क्या चेंजेस हुए उसमें, यही सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इज दैट क्लियर? तो इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।